क्योंकि आँख भी खुली है और अर्ध निद्रा में भी हम हैं। There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification. नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त लाइफ कोच जगन्नाथ। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल के लिंक लोगों को पहुंचाइए और मेरे साथ हर वक्त जुड़े रहिए। बहुत सारे अद्भुत ऐसे ज्ञान मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। बहुत लोगों की कमेंट आई थी कि सर शांभी मुद्रा के बारे में कुछ बातें बताइए, तो आज मैं आपको शांभी मुद्रा के बारे में बताने वाला हूँ। शिव सरोदय के वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रही है। आज ये शांभी मुद्रा का रहस्य भी इस शिव सरोदय शास्त्र के रिलेटेड है। शंकर जी की सबसे अच्छी जो मुद्रा है, जो उनको पसंद मुद्रा है, ये शांभी मुद्रा है। आप शंकर जी के फोटो को भी देख सकते हैं, तो वही मुद्रा में वो ज़्यादा देर रहते हैं। जैसे कि महावीर और गौतम बुद्ध, ये भी ये मुद्रा उनको अच्छी लगती थी, शांभी मुद्रा। तो आप उनके फोटो भी देख सकते हैं कि उसमें वो ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो मुद्रा है ये बहुत पावरफुल मुद्रा मानी जाती है। यहाँ हमें ज्ञान का चक्षु जो है, जो स्टोरेज है, उसका बढ़ोतरी ज़्यादा हो जाती है, पूरा ओपन हो जाता है। अंदर कुछ कोशिकाएँ हैं, जो ब्रेन की जो कोशिकाएँ हैं वो टोटली ओपन होने लगती है और हम त्रिकाल ज्ञानी दर्शी हो सकते हैं और हम भूत वर्तमान भविष्य तीनों के भी हम ज्ञाता हो सकते हैं। जैसे कि हम गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में हम बताते हैं, जैसे शंकर जी को ये सबसे ज़्यादा प्यारी मुद्रा है। इससे हमारा मन शांत होता है, ये मुद्रा से हमारा ज्ञान का चक्र पूर्ण ओपन हो जाता है और हमारा ब्रह्मरंध्र फ्लोइंग भी अच्छी तरह से ओपन हो जाता है। नीचे बैठना है और सिद्धासन में हम बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ के हमारी रीढ़ की हड्डी जो है एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। और यह हम टाइम हम ज़्यादा सुबह का चूज़ करना है, शाम के वक्त ये मुद्रा नहीं करनी है, क्योंकि ये मुद्रा करने से हमें नींद आने की संभावना ज़्यादा होती है। हमें ये सुबह करना है और इसकी जो प्रोसेस जो है हमें 3 मिनट से 6 मिनट तक करनी है। शुरुआती में हमें इतने तो होने वाला नहीं है, तो इसलिए हमें सुबह पहले हमें स्टार्टिंग में कुछ दिन तक 15-20 दिन तक हमें 1-1 मिनट तक करनी है। यह नींद आने की भी संभावना होती है, किसी को ज़्यादा जमाई आने की संभावना होती है, ज़्यादा लोगों को ढकर आने की संभावना होती है। कि षणमुखी मुद्रा में हमें ज़्यादा जमाई भी आती है और हमारे ज़्यादा ढकर आती है, वैसे ही इस मुद्रा में भी शुरुआती में हमें जमाई ज़्यादा आने की संभावना होती है। ये मुद्रा रेगुलर फॉलो करेंगे तो ये हमारी समस्या निकल सकती है, पर शुरुआती में हमें ऐसा हो सकता है तो ये कुछ डरने वाली बात नहीं। ये नॉर्मली स्टार्टिंग में सब लोगों के साथ ही होता है, तो आपके साथ भी हो सकता है। हम जो बैठने वाले हैं, हमारा फेस सामने हमें पूरब ईशान्य और उत्तर होना चाहिए, वहाँ बैठना है, शांति से बैठिए। और हमारा ये जो हम अंगूठा जो है, अंगूठा जैसे हम तिलक लगाते हैं, तो ऐसा अंगूठा हमारे सामने लेना है और आहिस्ता हमारा नज़र ऊपर होनी चाहिए। तो इसमें हम जब ऊपर लेते हैं, हम नज़र ऊपर लेते हैं, हमारी जो मुंडी है वो थोड़ी ऊपर से टिल होनी चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं लेनी है, जस्ट थोड़ी सी ऊपर लेनी है। और जब हम हाथ का जो एंडिंग का जो नखून है, नखून के एंड को हम देख सकते हैं और हमारा हाथ पीछे लेना है, और जो हमारा एक्सट्रीम एंड जो हमारे जो मिलने वाली है एक्सट्रीम एंड, तो वहाँ हमें फोकस होना है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो हमें सिर्फ इसमें एक रहता है कि हमें वहाँ कुछ एकाग्र नहीं होना है, समझो वो पॉइंट देख रहे हैं, एकाग्र नहीं होना है, वो वहाँ से हम निकल जाना है। और वहाँ जब हम देखते हैं तो हमें
अंतर मन से, क्योंकि हम यहाँ हमारी आँख भी कम है, छोटी है, और हम नींद की मुद्रा में भी है, क्योंकि आँख भी खुली है और अर्ध निद्रा में भी हम हैं। तो हमें हम निद्रा से हमारा जो आज्ञा का चक्र है वहाँ जाने की कोशिश करनी है। जैसे मैं आपको आपको करके दिखाता हूँ। ऐसे हम हमें करना है, 6 मिनट तक हम लेकर जाना है। इसमें हमें पलक झपकना नहीं है। शुरुआत में हमें कठिनाई आएगी एक एक मिनट में, तो हम शुरुआत में पलक झपक सकते हैं। तो इसकी आदत बनानी है कि जब हम रेगुलरली जब करेंगे 1 मिनट से 1.5 मिनट, 1.5 से 2, 2 से 3, और ये मैक्सिमम 6 मिनट तक लेकर जाना है। ये दिन में एक ही बार करना है, एक ही बार करनी, दिन में एक ही बार मुद्रा करनी होती है। ये एक बताया गया है कि इसको एक टाइम डिसाइड किया है, एक टाइम आप फोकस करना होगा। समझो हम 6 बजे कर रहे हैं तो आपको 6 बजे ही करना है। हमने समझो बताया कि 7 बजे कर रहे हैं तो हमें 7 बजे ही करना है, क्योंकि हम त्रिकाल ज्ञान को हम ट्यून हो रहे हैं, क्योंकि हम त्रिकाल ज्ञान ही होने वाले हैं। तो इसमें हम त्रिकाल ज्ञान का हमें ज्ञान आ जाता है। हम जब नेचर को हम फॉलो करते हैं तो हमें नेचर भी हमारे साथ काम करता है। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया है कि हम जब कमिटमेंट करते हैं तो नेचर भी आपके साथ वो कमिटमेंट करता है, वैसे ही जब हम वही टाइम पे हम ये मुद्रा करेंगे रेगुलरली एक ही जगह पर बैठ के उतना ही टाइम पे, तो देखिए नेचर के जो जो घटित होने वाली जो घटनाएं हैं भविष्य में और भूतकाल में और जो कुछ वर्तमान में जो भी कुछ चीज़ें हैं आपको यहाँ से मालूम हो सकती है। ये शामी मुद्रा का रेगुलरली अभ्यास करने से, जैसे मैंने शम्मुखी मुद्रा के बारे में बताया, वैसे इसमें भी हमें बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती है, क्योंकि ये तो साक्षात शंकर भगवान जी ये मुद्रा यूज़ करते थे। और हम जैसे मैंने कहा कि और भगवान बुद्ध और महावीर को भी ये सबसे ज़्यादा ये मुद्रा प्यारी है। और इसमें हमें एक मुद्रा लेने, जब हम नीचे बैठते हैं तो हमें एक ध्यान मुद्रा ले सकते, इस तरह से ले सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं। तो ये मुद्रा से हम जब हम ध्यान मुद्रा लेते हैं तो हमारा मन शांत होने में ज़्यादा मदद होती है। इस शांति से घर में बैठिए और ये मुद्रा जब आप जब करते हो तो घर में आपके आजू बाजू में कोई व्यक्ति नहीं होने चाहिए। आप खुद एक घर के अंदर बैठकर ये मुद्रा की साधना हम कर सकते हैं, रेगुलरली कर सकते हैं, रेगुलरली करना है। ये मुद्रा हमें कम से कम 6 महीने तक करते हैं तो ये मुद्रा सिद्ध हो जाती है। तो दोस्तों ये आपका गहरा राज आपको इस मुद्रा के बारे में बताएं, इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलने वाले। आप जब करेंगे तो आप ही एक मिराकल्स जैसे बनने वाले हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मैं विराम लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video